सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के बीच में बैठना है लक। सही जगह पर सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, खोया हुआ धन, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य वापस लाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। बदलना होता है जिन्हें, वो बदल जाते हैं। हर कोई जनवरी का इंतजार नहीं करता। काम करने से या तो आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। जीत गए तो खुश होंगे, हार गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन काम ना करने से आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी और वो है हार। मैं इतना काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करना। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर पूरे संसार में चमकता है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। दिल खोलकर अपनी जिंदगी को जी लो यारो, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास फिर से नहीं दोहराएगी। तुम हार जाओ, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। चिंता मुझे इस बात की है कि तुम हार कर कहीं बैठ ना जाओ। जीवन में आपके कई सारे लोग आएंगे जो आपका विश्वास तोड़ेंगे। उनको थैंक यू कहना, धन्यवाद करना, क्योंकि वो ही लोग आपको सिखाएंगे कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि एक बार आपको लगता है कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो, तो फिर उसे दोबारा कभी परेशान मत करना। किसी छोटे से काम को शुरू करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत होती है। बीते हुए कल के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल माफ कर देना चाहिए, लेकिन माफी गलती की होती है, चालाकियों की नहीं। याद रखना कि फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग इसे उठाते बहुत है। अगर आप सच बोलने का शौक रख